नमस्ते भक्ति रसनी अमारी विशेष रजूआत में आप सबनु स्वागत छे। हूँ छु जूही। भक्ति रस में आज आपने करावीशु BSF ना जवान जेमनी पूजा करे छे एवा श्री नरेश्वरी बाताजी ना दर्शन। कहवाय छे के अहिया जवानो देशभक्ति नी साथो साथ नरेश्वरी माताजी नी पण करे छे पूजा अर्चना। तेम पण कहवाय छे के तेओ ने सारू पोस्टिंग मळी रहे ते माटे पण ते अहिया नरेश्वरी माताजी ना चरणो मां झुकावे छे शीश। आ उपरांत आज आपने करावीशु BSF ना जवानों ना आ मंदिर नी वधु केटलीक रोचक वातो अने शू छे नरेश्वरी माता साथे जोडायेलो इतिहास ए पण जणावीशु। तो चालो शुरू करिए अमारी विशेष रजूआत भक्ति रस। बनासकांठा नो एक एवो विस्तार जहां दिवस रात देश नी सुरक्षा करी रहा छे BSF ना जवानो। जब BSF नो जवान करी रहो छे देशभक्ति, जब BSF नो जवान करी रहो छे माताजी नी पूजा अर्चना। अहिया आवेला श्री नरेश्वरी माताजी नी पूजा अर्चना माटे BSF नो जवान नित्य करे छे माताजी नी अर्चना। कहवाय छे कोई पण जवान ने सारू पोस्टिंग जोतू होय ते तेओ नरेश्वरी माताजी समक्ष पोतानी अरज मूके छे अने माताजी पण तेमनी इच्छा पूर्ण करता होवानी छे मान्यता। तो चालो आपने पण जणावीए बनासकांठाना नड़ावेट विस्तारमां आवेला श्री नरेश्वरी माताजी नो इतिहास। भारत पाकिस्तान विस्तार नी आ सीमा रेखा जहां सतत पहरो भरी रहा छे BSF ना जवानो। जी हाँ, आप जो रहा छो बनासकांठा ना नड़ावेट विस्तार। भक्ति रस्मा आजे आपने दर्शन करावीशु नरेश्वरी माताजी ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु बनासकांठा जिला मां भारत पाकिस्तान सीमा समीपे विराजमान छे नरेश्वरी माता। तिरुविडा 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 तिरुविडा
આ ભૌગોલિક વિસ્તારનું ખમીર એટલે રબારી સમાજનો કાફલો. આ વિસ્તારના રબારી સમાજની સાથોસાથ દેશની સીમા સુરક્ષા કરતા બીએસએફના જવાનોના આરાધ્ય દેવી છે અહીંયા બિરાજમાન. તોને માતું રખવાળે નાડા બેટ માં પૂજાણે સોને નૈયા માડે તારે આપોયા. નડેશ્વરી માતાના મંદિરના પૂજારી તરીકે પણ અહીં બીએસએફ નો જવાન જ કરે છે સેવા પૂજા. ખાસ કરીને રબારી સમાજના કુળદેવી છે માતા નડેશ્વરી, તેથી દૂર દૂરથી અહીં રબારી સમાજની સાથોસાથ અન્ય શ્રદ્ધાળુઓ પણ માતાના દર્શને આવે છે. નડેશ્વરીની પૂજા અર્ચનાથી લઈને તમામ સેવામાં બીએસએફના જવાન હાજરા હજૂર છે. દેશની સીમા સુરક્ષા કરે છે દેશના જવાન, પણ સેનાના જવાનની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે માતા નડેશ્વરી. માતા નડેશ્વરી પર સેનાના જવાનોને છે અતૂટ આસ્થા. ये सब का पुजारी करता है, दो पुजारी होते हैं, एक सिविल का एक ये सब का. और जो माता की कृपा से 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें भारत की विजय हुई थी. और माता की कृपा से बॉर्डर में जो भी कुछ भी हुआ था उसमें अपनी फौज बीएसएफ की जीत हुई थी. उस समय से माता की पूजा बीएसएफ का जवान करता है और माता में रात दिन अच्छा करती है, माता को हर जवान याद करता है. બસો વર્ષ કરતા પણ પૌરાણિક આ મંદિરમાં પહેલા દેરી હતી, પણ 1971 ના યુદ્ધના પરચા બાદ અહીં 1977 માં મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાયો. આજે આ મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કરીને ફરી આ મંદિરને ભવ્ય સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. શક્તિ બેટ છે,
सरहद वाले दयाले मारे नावड़े माता नडेश्वरी ने आ विस्तार में प्रागत्य थवा साथे जोड़ायेली छे राजा रानवघणनी गाथा। जूनागढ़ना राजा रानवघणी जहल नामे मोबोली बहन हती। संदेशो वाचो रात समूहिती जाय छे। संदेशो वाचो जहल ना लग्न थाय छे अने ते सिंध प्रांत मा रहवा जाय छे पर सिंध राजा हमीर सुमराए जहल पर नजर बगाड़ी अने लग्न करवा दबाण कर्यु त्यारे ज जहले रानवघणने चिट्ठी लखी मदद माटे मांग करी आखरे रानवघणे युद्ध माटे तैयारी करी सिंध प्रांत पहुंचता आवे छे नडाबेट विस्तार कहवाय छे के समय अहीं दरियो ज घूंघवतो रहेतो માટે આગળના વધી શકવાની લાચારીને કારણે રાનવઘણ હતાશ થયો અને આપઘાત કરવા તલવાર કાઢી પણ કહેવાય છે કે તે સમયે માતા નડેશ્વરી પ્રગટ થયા અને કહેવાય છે કે માતા નડેશ્વરીએ અહીંથી દરિયાને શોષી લીધો અને અહીં રણ થઈ ગયું કહેવાય છે કે ત્યારથી અહીં પીએસએફના જવાન પૂજારી તરીકે કાર્યરત રહે છે એટલું જ નહીં જવાનોના મતે માતાની દયાથી જ અન્ય જવાનોનું અહીં પોસ્ટિંગ થાય છે અને તેમની સેવા પૂજા કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે દેશની રક્ષા કરતા જવાનોની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે માતા નડેશ્વરી તેથી તો દેશના આ જવાનો ભારત માતાના જયની સાથોસાથ માતા નડેશ્વરીનો જય જયકાર કરીને ખરી દેશભક્તિનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ વીટીવી ન્યૂઝ નડેશ્વરી માતાજીનો અપરંપાર છે મહિમા માતાજીના પરચાની પર કરીશું વધુ કેટલીક વાતો પરંતુ હાલ ભક્તિરસમાં સમય થયો છે વિરામનો આપ જોતા રહો ભક્તિરસ વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે ભક્તિરસમાં બીએસએફ ના જવાનો કરી રહ્યા છે શ્રી નડેશ્વરી માતાજીની પૂજા અર્ચના ભક્તોને મન પણ માતા પર છે અતૂટ આસ્થા માતાજી ક્યારેય કોઈને નિરાશ નથી કરતી અહીંયા જે કોઈ પણ દર્શનાર્થી આવે છે માય ભક્તો તેમના જીવનમાં હંમેશા કોઈ ને કોઈ માતાજીના પરચા સ્વરૂપે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે તો ચાલો જાણીએ માતાજીનો ભક્તો પ્રત્યેનો મહિમા ગુજરાતનો છેવાડાનો વિસ્તાર એટલે બનાસકાંઠા બનાસકાંઠાના આ જ વિસ્તારમાં આવેલું છે નડાબેટ વિસ્તાર નડાબેટ વિસ્તારમાં બીએસએફના આ જવાનો દિવસ રાત કરી રહ્યા છે આપણી સુરક્ષા બીએસએફના જવાનો જે રીતે આપણી રક્ષા કરે છે તેવી જ રીતે તેમની રક્ષા કરે છે નડેશ્વરી માતા અહીં
अहियां नरेश्वरी माताजी मंदिर बीएसएफ ना जवानों की परम आस्था केंद्र छे। आ विस्तार में बीएसएफ ना जवानों ज करे छे एकता मंदिर में सर्वधर्म ना देवी देवताओं ना दर्शन। आ मंदिर में दरेक धर्मना देवी देवताओं ने अपायु छे स्थान, तेमनी दररोज बीएसएफ ना जवानों ज करे छे पूजा अर्चना। खास करीने आरती ना समय आ जवानों परिवार नी साथो साथ हर हमेशा देश नी सुरक्षा नी करे छे प्रार्थना। नरेश्वरी मानी आरती मंगल भावे भक्त मणि माना गुण लागा। नरेश्वरी मानी मंगल था हवे भक्त मड़ी माना गिर लागा। ए नमड़ नड़ा बेट धाम उजड़ा छे ये धाम, ढोल नगारा ने झालर न जनका। नरेश्वरी मानी आरती मंगल था हवे भक्त मड़ी माना गिर बनासकांठा नो अनडाबेट विस्तार की जेमा बीएसएफ ना जवानों नी सरहद पर सतत नजर आपड़ी दिवस रात करे छे सुरक्षा। स्पेशल रिपोर्ट वीटीवी न्यूज। नरेश्वरी माताजी ना दर्शन कर्या बाद आगर आपने करावीशु सोमनाथ हाथी ना दिव्य दर्शन। बस एक विराम बाद आप जोता रहो भक्ति रस। विराम बाद आपनु स्वागत छे भक्ति रस मा। शिव पूजा नु महत्व ने ज्योतिर्लिंग दर्शन नु छे सविशेष महत्व। त्यारे आज आपने करावीशु प्रथम ज्योतिर्लिंग एवा श्री सोमनाथ महादेव ना अपरंपार दर्शन। साथे जानीशु श्री सोमनाथ महादेव नो इतिहास अने करीशु श्री सोमनाथ महादेव नी दिव्य आरती ना पण दर्शन। तो चालो आपने पण जणावीए श्री सोमनाथ महादेव नो महिमा अने करीए तेमनी आरती। सोमनाथ धाम ना दर्शन। जपले शिव का नाम मनवा भजले प्रथम ज्योतिर्लिंग ना दर्शन। भजले शिव का नाम मनवा भजले शिव का नाम। सौराष्ट्र नु सोमनाथ इतले शिवजी नु अति पवित्र अने कल्याणकारी धाम। सोमनाथ ए भारत मा आवेला 12 ज्योतिर्लिंग मानु प्रथम ज्योतिर्लिंग छे अने इतले ज तेमना दर्शन अने पूजन अर्चन नो विशेष महिमा छे। वेरावर नजीक समुद्र किनारे आवेला आ पवित्र धाम मा बिराजे छे भगवान शिव शंकर नु सोमेश्वर स्वरूप।
कहवाई छे कि अही चंद्रदेव रावण तेमज श्री कृष्ण पर करी हती शिवजी नी आराधना। धरती पर शिवजी ना सोमेश्वर स्वरूप नु प्रागट्य केवी रीते थयुं तेनी साथे पर एक कथा जोड़ायेली छे। कहवाय छे के चंद्र ए दक्ष प्रजापति नी 27 कन्याओ साथे लग्न कर्या। जो के चंद्र नु मन तो एकमात्र रोहिणी पर ज मोहित हतो, ते मात्र रोहिणी साथे सांसारिक जीवन बितावतो। चंद्र ने अन्य पत्नियों पिता दक्ष ने आंगे फरियाद करी अने आखरे रोष भरायेला दक्षे चंद्र ने आप्यो क्षय थवानो श्राप। ससराना श्राप के कारणे चंद्र नी प्रभा नष्ट थवा लागी। आखरे तेने पत्नी रोहिणी साथे प्रभास तीर्थ पर शिवजी नी आराधना करी। चंद्र नी तपस्या थी प्रसन्न थई शिवजी चंद्र ने संपूर्ण तो नहीं परंतु आंशिक रीते श्राप माथी मुक्ति आपी, जेने कारणे चंद्र नी सोळी कळाओ बनी। शिवजी पछी त्यां ज्योतिर्लिंग स्वरूपे स्थापित थया। शिवजी भोड़ा भोड़ा भगतों नाही सुकारी करे कल्याण सोनु सदा कल्याणकारी। शिवजी भोड़ा भोड़ा भगत चंद्रदेव ना आह्वान थी प्रागट्य थयु होय आ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव ना नामे प्रसिद्ध थयु। कहवाय छे कि चंद्रदेवे अही सोना ना मंदिर नु निर्माण करावियो हतु। रावणे ही शिवजी नी पूजा करी चांदी नु मंदिर बंधाव्यु तो भगवान श्री कृष्णे पर अही आराधना करी हती अने लाकड़ा माथी करावियो हतु मंदिर नु निर्माण। सोमनाथ नु मंदिर अनेक वार बनतु रह्यु छे अने तूटतु रह्यु छे, पण ज्यारे पण आ मंदिर नु पुनर्निर्माण थयु ते सोना चांदी हीरा माणिक थी सजतु रह्यु। कहवाय छे के सदियो पहला तो हीरा माणिक अने रत्नो ने कारणे रात्रे पण शिवलिंग जळहरतु रहतु। स्पेशल रिपोर्ट VTV न्यूज। सोमेश्वर देव भोलिया करू तुम्हारी सेव, जटा मावसे मात गंगे पतित ने पावन करती। पार्वती ना पति खोल ले रमे गुण नो पति, जाप नित जपे जती ने सती। आरती रोज उतरती नाचन भयंकर बुरी लताड़ा। आरती रोज उतरती हे भोला तारी हे दादा तारी हे भोला तारी। आरती रोज उतरती हे आरती रोज उतरती। तो आ साथे ज भक्ति रसमा आज बस आटलू ज। आवती काले फरी मणीशु कोई नवा विषय साथे। त्यां सुधी मने रजा आपशो। नमस्ते।